Divya Kakran settled for bronze in the 68 kilograms category in Indonesia, but she feels it is not less than gold for her. The Commonwealth Championship gold medalist did extremely well to win the bout against Chinese Taipei's Chen Wenling with technical superiority, with the final scoreline reading 10-0. Divya used her strength, ending the match in under 1 minute 30 seconds. She used her tactical abilities to dominate the bout. Divya's medal came after three other wrestlers could not reach the medal round. Kiran was ousted from 76 kilograms. With this, the Indian women's campaign ended with two medals. Vinesh Phogat had won a gold in the 50 kilograms category. बेटा आखिरी दम तक की अपनी जान लगा देना, पर मेडल को अपने हाथों से जाने मत देना। जितनी भी अपनी हिम्मत हो उतनी अड़ा देना। मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों के ऊपर ध्यान दे और अपनी बेटी को खेल में सबसे ज्यादा आगे से आगे उतारते रहे। नहीं, हमें तो बहुत बड़ी खुशी है कि भाई इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी और यहाँ तक पहुँची, क्योंकि एक सपना था कि भाई जो हम तो नहीं पहुँच सके कि हमारे बच्चे पहुँचे और कोशिश करते हैं कि भगवान इसे ओलंपिक भी खिलावे। नहीं, एक तो इसका अनुभव कम है, कम जूनियर की है ये अभी, तो इसके बाद भी हमारे लिए तो ब्रॉन्ज भी गोल्ड मेडल से ज़्यादा ही है, और इसके पैर में भी तो घुटने में चोट लगी हुई, तो ये ब्रॉन्ज आ गया हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसी कोई वो नहीं। मैं चाहता हूँ जैसे बेटों को आगे बढ़ाओ, बेटी की बढ़ाई मेरी तरह, जैसे मान लिया मैं बेटों को पीछे करके बेटी को आगे बढ़ाया, उसका भगवान ने आज फल दिया, तो मैं यही कहता हूँ कि बस सब अपनी बेटियों पर भी ध्यान दें। सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, उसके लिए तैयारी करेगी हम और कोशिश करते हैं कि भगवान उसमें भी मेडल दें।